ये लक्ष्मी का मामला क्या है? तुम कह रहे हो तुम्हारी बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, बहन नहीं है, तो ये लक्ष्मी है कौन यार? Hey guys, मैं हूं Basic Cinephile Person and welcome back to our channel. Guys, काफी ज्यादा टाइम निकल गया है और मैं बहुत दिनों से कोई कंटेंट भी अपलोड नहीं कर पाया हूँ. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. लेकिन हाँ, हमारी टीम की तरफ से कुछ कंटेंट रिलीज भी किए गए हैं एंड आई होप कि आपको पसंद भी आए होंगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि जिस पर मैं बात करूं. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. गाइस, पिछले कुछ महीनों में ऐसी मूवी मुझे समझ ही नहीं आई कि जिस पे मैं कंटेंट बनाऊं या फिर वीडियो अपलोड करूं. समझ रहे हो? वेट ही कर रहा था कि कुछ ऐसा रिलीज हुआ है जो मुझे एकदम शॉक में डालकर चला गया है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. गाइस, फाइनली मैंने ऐसी ही एक मूवी देखी है जिसने मुझे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था. मतलब कि जब मैं मूवी खत्म करके उठा तो मैं एकदम ब्लैंक था. ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी, ब्रिलियंट ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड गाइस ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट स्टोरी लाइन एंड सस्पेंस की तो मैं क्या ही बात करूं. गाइस, मूवी में कोई लॉजिकल सॉन्ग नहीं है, कोई लॉजिकल ड्रामा भी नहीं है, है तो सिर्फ प्योर सस्पेंस एंड प्योर थ्रिलर. गाइस, मूवी का नाम है महाराजा. तुम्हारा नाम महाराजा किसने रखा? तुम्हारा नाम तो खुशहाल रखना चाहिए था. इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए. ऐसे मुंह फुला के रखोगे तो कौन कुत्ता इस दुकान में आएगा? जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी का डस्टबिन चोरी हो गया है, वो इसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है. अब आप सोच रहे होंगे किसी का डस्टबिन चोरी हो जाए और वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाए. बात तो सही है. गाइस, मेन लीड में हमें दिखते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट विजय सेतुपति एंड मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, जो अब एक्टिंग भी काफी अच्छी करते हैं, मिस्टर अनुराग कश्यप. अगर बात करूं मूवी के प्लॉट की, तो मूवी रिवेंज के बारे में है, डायरेक्टेड बाय नितिलन स्वामीनाथन एंड गाइस इसका एंड भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है. पहला हाफ मुझे इतना ज्यादा कोई पसंद नहीं आया था क्योंकि मूवी काफी स्लो पेस में चल रही थी, बस कैरेक्टर बिल्डअप ही हो रहा था. अगर मैं बात करूं मूवी के कैरेक्टर्स की, तो विजय का कैरेक्टर एक नाई है जिसका नाम है महाराजा, जो अपनी 14 साल की बेटी के साथ रहता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है. एक हादसे में महाराजा की वाइफ की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है. और कैसे? एक्सीडेंट के दौरान लोहे का काफी पुराना सा डस्टबिन उसकी बेटी के ऊपर गिर जाता है, उसे कवर कर लेता है, जिससे उसकी बेटी की जान बच जाती है. और ये डस्टबिन महाराजा और उसकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है. वो डस्टबिन का नाम भी रखते हैं लक्ष्मी. एंड गाइस, उसे इतना ज्यादा संभाल कर रखते हैं जैसे वो उनकी फैमिली हो. और गाइस, फैमिली ही बताया गया है वैसे तो इस मूवी में. डस्टबिन को नहलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इवन उसे तिलक भी लगाते हैं. लेकिन गाइस, एक दिन उसके घर में चोरी होती है और चोर उस डस्टबिन को चुरा कर ले जाते हैं. अब महाराजा वो डस्टबिन कैसे भी करके वापस आता है, चाहे पुलिस वालों को लाखों रुपए क्यों ही ना देना पड़ जाए. फर्स्ट हाफ में हम ज्यादातर कैरेक्टर बिल्डअप ही देखते हैं एंड स्टोरी स्लो पेस में आगे बढ़ती है और हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते कि आखिर में होने क्या वाला है. एंड गाइस, फिर आते हैं अनुराग और उनके कैरेक्टर के बिल्ड होने में ही एक अलग मजा है. गाइस, मैं सेकंड हाफ से तो बहुत ज्यादा खुश हूँ. मैं ज्यादा स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 20 करोड़ के बजट की ये मूवी कहीं भी फील नहीं होती कि इसमें कोई कमी है या छोटे मोटे फ्लॉस हैं. गाइस, बस मुझे एक ही कमी लगी. इस मूवी में जो पीटी टीचर का एक रोल दिया गया है, उसे इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन उसकी कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट मुझे समझ ही नहीं आई. मैम, पीटी पीरियड है ना, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं क्लास ले लूं? ये क्या कह रही हैं आप? पीटी पीरियड है. साउंड बॉडी साउंड सोल, आपने सुना नहीं है क्या? गाइस, मूवी नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हो चुकी है एंड सरप्राइजिंगली अभी भी सिनेप्लेक्स में अवेलेबल है, तो आप जरूर देखिए एंड हमारे साथ रिव्यू शेयर कीजिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी. आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यूज गाइस. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द बेसिक सिनेफाइल पर्सन. एंड गाइस, आगे भी और शानदार वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस.